नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के टॉपिक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूनिटरी सिस्टम ऑफ द चाइना। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से चाइना का यूनिटरी सिस्टम काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंटली यूनिटरी सिस्टम होता क्या है और ये फेडरलिज्म से किस तरीके से अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात की तो चाइना के बारे में आपको पता ही है, चाइना जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी आप जानते ही होंगे चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना के अंदर ही रहती है दोस्तों, और इसकी कैपिटल है बीजिंग, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोला जाता है, और चाइना जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है कुल 23 प्रोविंसेस से 23 प्रोविंसेस से अलग अलग प्रोविंसेस से मिलके बना है, जिसमें से 22 प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कंट्रोल करती है, और 23rd जो 23वां जो प्रोविंस है ताइवान, उसको लेके थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज है, क्योंकि चाइना का मानना है कि ताइवान भी पूरी तरीके से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर में आता है, लेकिन ताइवान का मानना है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक आज़ाद देश है, चाइना के साथ नहीं है। और इसके दो शहर ऐसे भी है, दो प्रोविंसेस हांगकांग और मकाओ, जो कि स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं दोस्तों। तो ये था वहाँ का इंट्रोडक्शन चाइना के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ के यूनिटरी सिस्टम के बारे में। तो यूनिटरी सिस्टम के बारे में बताने से पहले आपको उसका मतलब बता देता हूँ कि यूनिटरी सिस्टम होता क्या है। यूनिटरी सिस्टम की बात की जाए तो आपको फेडरलिज्म, मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कनाडा के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी, फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है डिवीज़न ऑफ द पावर। भारत के अंदर भी ऐसा ही है, सरकार की जो पावर्स हैं वो उसके अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स में बटी हुई होती है। जैसे भारत के अंदर सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार आती है, और लोकल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स अलग अलग पार्ट्स में शेयर होती हैं। लेकिन ये तो बात रही फेडरलिज्म की, यूनिटरी सिस्टम इसका ठीक अपोजिट होता है। अपोजिट कैसा होता है, क्योंकि फेडरलिज्म के अंदर पावर्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन यूनिटरी सिस्टम में ऐसा नहीं है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि पावर्स अलग अलग डिवाइडेड होने के बजाय सारी पावर सिर्फ एक ही सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से बिलोंग करती हैं। अब चाइना की बात करते हैं, कुछ फीचर्स उसके हम ऐसे पढ़ेंगे जिससे हम बात करेंगे कि कैसे चाइना के अंदर यूनिटरी सिस्टम काफ़ी मजबूती से काम करता है। तो चाइना के यूनिटरी सिस्टम की बात की जाए दोस्तों, तो चाइना का जो यूनिटरी सिस्टम है, इट इज़ अ यूनिटरी स्टेट इन चाइना, अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड वाइल रीजनल गवर्नमेंट्स have not been created under the constitution. The central government has delegated much authority and powers to the regional and local administrative units. बड़ा सिंपल सा मतलब है कि चाइना के अंदर एक यूनिटरी स्टेट है जहाँ पर होता क्या है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, काफ़ी मजबूत केंद्र सरकार होती है, और जो सारी पावर्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से ही सीमित होती हैं। और आपने इसमें बताया भी मैंने आपको कि वहाँ की रीजनल और लोकल यूनिट्स ज़रूर होती है, लेकिन पावर्स का जो शेयरिंग होती है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। प्रोविंशियल या फिर जो लोकल गवर्नमेंट्स वहाँ की होती हैं उनके हाथ में इतनी पावर्स नहीं होती है दोस्तों। तो इसी के आगे बात करते हैं और फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर बात करते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी ज़रूर है लेकिन पावर का पूरी तरीके से सेंट्रलिज्म केंद्रित है। जैसे कि वहाँ पर जितनी भी सरकारें होती हैं, मान लीजिए कि केंद्र सरकार है और अलग अलग प्रोविंशियल सरकार है, अलग अलग सरकारें ज़रूर हैं, वहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं और पार्टी के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं कि पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसका चेयरमैन कौन बनेगा, या फिर अलग अलग पोस्ट होती हैं वो किस तरीके से बांटी जाएंगी, ये सभी चीज़ें वहाँ के इलेक्शन से होते हैं, लोग वोट भी देते हैं, लेकिन पावर्स का जो शेयरिंग होता है वो सिर्फ एक ही पार्टी के पास रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी के पास। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पार्टी भी सिर्फ एक है और इलेक्शन भी हो रहे हैं वहाँ पर। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि किसी एक प्रोविंस के अंदर चुनाव हो रहे हैं या किसी एक सीट के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, और उस सीट के ऊपर 3-4 अलग अलग कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चारों ही कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से। तो यहाँ पर जो वोटर्स की प्रेफरेंस है वो पार्टी की जगह कैंडिडेट्स के ऊपर रहती है, पार्टी के पास उनका दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है पार्टी के लेवल पर, तो सारे मेंबर्स कम्युनिस्ट पार्टी के ही है। वोटर्स कैंडिडेट्स के हिसाब से प्रेफर करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा बेटर है, उसको इलेक्शन के अंदर वोट देते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म था, बड़ा सिंपल सा आप समझ भी सकते हो कि सारी पावर्स एक ही हाथ में केंद्रित होना
लोकतंत्र जरूर है लेकिन सिर्फ नाम मात्र की लोकतंत्र है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए डेमोक्रेसी है, क्योंकि पावर्स और फैसले अल्टीमेटली सारे केंद्र सरकार या हम बोल सकते हैं एक सिंगल पार्टी करती है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये था डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। दोस्तों डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के बाद अगले इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं इसके, तो अगला इंपॉर्टेंट फीचर है वन पार्टी सिस्टम। तो ये भी वहाँ के यूनिटरी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिफाइन करता है। आप नाम से ही समझ गए होंगे वन पार्टी सिस्टम, वहाँ पर संविधानिक तौर पर पार्टीज तो हैं वहाँ पर और भी, लेकिन संविधानिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को दर्जा मिला हुआ है और वो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूनिटरी फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे जो फैसले होते हैं सिर्फ एक ही पार्टी के होते हैं, आपको इलेक्शन भी होते हैं वहाँ पर भी बताया, लेकिन ऑप्शन लोगों के पास घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रहता है। तो द कम्युनिस्ट पार्टी इंजॉयज ऑलमोस्ट ऑल द डिक्टोरियल पावर्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड हैज़ बीन रिगार्डेड एज द सोल सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो मतलब बड़ा सिंपल सा है कि चाइना के अंदर एक तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो डिक्टोरियल वे में काम करती है, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रोकथाम नहीं है, पावर्स कहीं भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, पूरी चाइना की पावर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से डिक्टोरियल फॉर्म में काम करती है, तानाशाही रूप से भी काम करती है। और इसके अलावा बाकी जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, नो फ्रीडम टू एक्ट, वो कोई भी काम अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर यही है, कम्युनिस्ट पार्टी होल्ड ऑल द टॉप नॉचेस पोजिशंस इन द गवर्नमेंट। जितनी भी टॉप नॉचेस पोजीशंस होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट होती हैं, सरकार की जो पावर्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी से ही बिलोंग करती हैं दोस्तों। तो ये था वन पार्टी सिस्टम। आगे हम बात करते हैं वहाँ के लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर की बात की जाए तो चाइना के अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मतलब एक सिंगल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे इंडिया के अंदर हम पढ़ते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है यूनिकैमरल, मतलब सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर एक ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है जिसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस NPC। तो NPC जो है वहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी है और वहाँ की सांसद के अंदर करीब 3000 से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो 3000 मेंबर्स होते हैं वो भी सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। आप सोचोगे कि 3000 लोगों की सांसद, हालांकि चाइना एक बहुत बड़ा देश भी है तो उसके हिसाब से 3000 पीपल इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो काम करने का तरीका, सोचने वाली बात यह है कि अगर 3000 लोग सांसद के अंदर बैठ के किसी भी चीज़ पर बहस करेंगे, वोटिंग करेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो सकता है इसका, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 3000 लोग हैं वो सिर्फ आप सोच सकते हो कि नॉमिनल है नाम मात्र के लिए, हालांकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होते हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले लेने के काम होते हैं वो उन 3000 में से सिर्फ 150 लोग ऐसे होते हैं जो उन 3000 मेंबर्स के ही पार्ट होते हैं, और 150 लोगों के ग्रुप को बोला जाता है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द NPC। तो वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी होती है उन 150 मेंबर्स की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, फैसले होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स लेते हैं दोस्तों। और एक और खासियत आपको बताता हूँ यहाँ के लेजिस्लेटिव की, तो यहाँ का जो लेजिस्लेशन है उसके पास सोल अथॉरिटी है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन या टू अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कैसे समझ सकते हो कि चाइना के जो सांसद है, सांसद का मतलब सरकार, सरकार का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, तो इनडायरेक्टली आप ये चीज़ समझ सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी के पास सोल अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को, किसी भी स्ट्रक्चर को कभी भी चेंज कर सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग बात कैसे, इंपॉर्टेंट बात कैसे, यहीं से एक पॉइंट और भी बनता है, वो है जुडिशियल रिव्यू का। तो चाइना के पास, चाइना के अंदर देर इज़ नो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। अभी जुडिशियल रिव्यू सिस्टम क्या होता है, जैसे भारत के अंदर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम काम करता है, मान लीजिए कि संसद के अंदर कोई भी सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वहाँ की इंडिया की पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकती है जो कि संविधान के खिलाफ हो, उनको सारे कानून, सारे बिल, सारे लॉज संविधान के हिसाब से पास करने पड़ते हैं। अगर भारत सरकार या फिर कोई भी भारत की पार्लियामेंट, किसी भी सरकार एक ऐसा बिल पास कर देती है जो कि संविधान के हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात की पावर होती है कि वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उस पास किए गए कानून को किसी भी वक्त रद्द कर सकता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू। लेकिन चाइना के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है,
चाइना के सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ की सरकार, सरकार का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, अगर कोई भी कानून पास कर देती है तो उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता दोस्तों। और यही चीज़ है जो दिखाती है कि किस तरीके से चाइना के अंदर यूनिटरी सिस्टम काफ़ी हद तक या काफ़ी ज़्यादा वहाँ को मजबूत करता है दोस्तों। तो ये आपको बताया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रेसिडेंट के बारे में भी। तो चाइना का जो प्रेसिडेंट है 5 साल के लिए चुना जाता है वो, और वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो वहाँ की जो सांसद होती है उसी का ही एक मेंबर होता है। और आप समझ सकते हो कि जहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट भी बोला जाता है उसको, आप सब कुछ मान सकते हो, हेड ऑफ़ द स्टेट, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, सब कुछ सिर्फ एक ही आदमी रहता है वहाँ का, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास काफ़ी पावर्स होती है और ही इंजॉयज़ द प्रेस्टिजियस पोजिशन इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। तो वहाँ पर जितना भी संवैधानिक कामकाज होता है, फिर सरकार का सेटअप होता है, उस सब में सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोजीशन वहाँ के राष्ट्रपति की होती है दोस्तों। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैसे अलग अलग फीचर्स के हिसाब से, आपको बताया कि वहाँ का यूनिटरी सिस्टम है, वहाँ का सिंगल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन है, नो जुडिशियल रिव्यू है वहाँ पर, और वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म भी है। ये सारे अलग अलग फीचर्स आपको बताए और थोड़ा सा इंडिया से कंपैरिजन करके ही बताए, जिससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चाइना के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है और वो पूरी तरीके से वहाँ के यूनिटरी सिस्टम को बढ़ावा देता है। और वो पूरी तरीके से चाइना का जो यूनिटरी सिस्टम है वो इंडिया और कैनेडा का जो फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर है, जो फेडरलिज्म है, उससे पूरी तरीके से अलग तौर पर काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ आई होगी, टॉपिक आपको कवर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।